आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बोर्ड परीक्षा के डर को भगाने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने दी बच्चों को सफलता के टिप्स। बोर्ड परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों से उनकी कक्षा में जाकर मिलने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते आज वे बाग के सीएम राइज स्कूल और कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला पहुंचे। उन्होंने यहां विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने और उसमें अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही परीक्षा के डर को विद्यार्थियों के अंदर से दूर करने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। परीक्षा के करीब आते ही हर विद्यार्थी के मन में ऊहापोह का वातावरण बनने लगता है। सामान्य परीक्षार्थियों में एक भय का वातावरण खुद पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में परीक्षार्थी केवल अपने आत्मविश्वास के बल पर विजय प्राप्त कर परीक्षा के डर को हरा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में सफलता के लिए विषय वस्तु की तैयारी के साथ प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका, हैंडराइटिंग, समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न को अच्छे से समझे, फिर उसे लिखे। इधर उधर की बातें लिखने से उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकनकर्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय ऐसा लेख लिखे जिसे मूल्यांकनकर्ता आसानी से समझ सके। प्रश्न पत्र को हल करते समय समय प्रबंधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए घर पर बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्रों की मॉक ड्रिल करें। ये सुनिश्चित करें निर्धारित समय में आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर पा रहे हैं अथवा नहीं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि आप सभी परीक्षार्थियों में अपार क्षमता है। आप अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे तथा जिले का नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के लिए वाहनों के निर्देश। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को जहां जानकारी मिली कि ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल जाने वाली छात्राएं छोटे वाहनों में कठिनाई पूर्वक आवाजाही करती है, जिसके तारतम्य में कलेक्टर श्री मिश्रा ने बाग स्कूल पहुंचने के सफर को सुगम बनाने के लिए विद्यावाहिनी योजना के तहत आजीविका विकास मिशन को बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए निर्देशित किया। इसके तहत छात्राओं को स्कूल जाने और आने के लिए सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए दो वाहनों को अनुबंधित किया जाएगा। अनुबंध के पश्चात समूह के दोनों वाहन बाग के आसपास के लगभग 8 ग्रामीण क्षेत्रों से कक्षा 9वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके गांव से स्कूल परिसर में छोड़ने और शाम को स्कूल से ही वापस घर ले जाने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ कलेक्टर श्री मिश्रा शासकीय कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बाग में छात्राओं की कम उपस्थिति होने पर वे उनके घर पहुंचे और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करने हेतु प्रेरित किया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।